नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के जाने माने यूट्यूबर खान सर के बारे में, जिनका नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी कि उनकी वीडियोस कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। वहीं आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके नाम हुई है, यूट्यूब इंडिया की तरफ से आधिकारिक घोषणा करके उन्हें टॉप 10 क्रिएटर में जगह मिली है, जिसमें उन्हें 8वां स्थान मिला है। इस टॉप 10 यूट्यूब जो क्रिएटर की जो सूची यूट्यूब इंडिया की तरफ से जारी की गई है, कैरी मिनाटी का नाम भी आपने सुना होगा, वो टॉप पर है और जो खान सर है उनको 8वां स्थान मिला है। वहीं शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे गेमिंग यूट्यूब चैनल्स को भी जगह मिली है, लेकिन खास बात यह है कि 8वें स्थान पर यूट्यूब इंडिया ने पूरे देश भर में खान सर को 8वां स्थान दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खान सर के लिए। तो जिनको नहीं पता है, बता दें कि खान सर का जो यूट्यूब चैनल है वो खान GS रिसर्च सेंटर के नाम से है। फिलहाल उस यूट्यूब चैनल में 4.5 मिलियन से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी अगर यूट्यूब चैनल पहले बनाता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो 100 के पूरा करे, उसके बाद 1 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन खान सर ने पिछले एक साल में, क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत साल 2019 से की थी, जिसके बाद अब साल 2020 आते आते उन्होंने 4.5 मिलियन का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया। और उनकी सारी वीडियोज को अगर आप देखें तो 8 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन, 6 मिलियन, 2 मिलियन ऐसे व्यूज उनके YouTube पर जाते हैं। अगर आप उनके प्लेलिस्ट को देखें तो प्लेलिस्ट में उनके बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, वो एरोप्लेन, डिफेंस और बायोलॉजी, जूलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में वो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन खास तौर पर उनका जो मेन फोकस है वो करंट अफेयर पर है। इसके साथ अगर हम रिसेंट वीडियोज देखें उनका, तो अभी वो फिलहाल करंट अफेयर्स को पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं हाल ही में उनका एक यूट्यूब जो वीडियो है वो भी काफी ज्यादा फैल रहा है, जिसमें उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है कि यूट्यूब इंडिया की तरफ से उन्हें 8वां स्थान कंटेंट क्रिएटर के रूप में मिला है। और अगर आप ट्विटर पर जाकर यूट्यूब इंडिया का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो आधिकारिक वेबसाइट पर ट्विटर इंडिया ने भी खान सर के वीडियो को पोस्ट किया है कि वो एक उभरते क्रिएटर है और वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, खान सर का जन्म, खान सर का जो असल नाम है वो फैजल खान है और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, गोरखपुर जिले में उनका जन्म हुआ है। हालांकि उनका नौनिहाल जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बिहार में फिलहाल है और पटना में वो रह करके कोचिंग सेंटर चलाते हैं और उसी के माध्यम से उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब से आज उनके बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं। और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उनके वीडियोस को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। आप लोगों को यह भी बता दें कि खान सर का सपना सेना में जाने का था, इसके लिए उन्होंने NDA की परीक्षा भी दी थी। उस परीक्षा में हालांकि उन्हें सफलता तो मिल गई थी, लेकिन फिजिकल टेस्ट की जब बात आई तो उसमें उन्हें फेल होना पड़ गया था, जिसके बाद हालांकि वो निराश हो गए थे क्योंकि उनके परिवार का जुड़ाव भी सेना की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उनके जो बड़े भाई है वो सेना के अधिकारी है। तो इस तरीके से उनका भी बहुत ये मन था कि वो सेना में जाए, देश की सेवा करे, लेकिन जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो काफी ज्यादा निराश हो गए थे। हालांकि परिवार वालों ने उन्हें इस समय पर खूब समझाया कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी सेवा कर सकते हैं। उसके बाद ही खान सर ने सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपना YouTube चैनल शुरू किया और एक साल में उन्होंने YouTube को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसके साथ ही हम आशा करते हैं, क्योंकि बिहार से निकले युवाओं को उनकी जो सरलता है, अगर खान सर को अगर आप देखेंगे, अगर आप उनके वीडियोस को देखेंगे तो जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो बात करने का तरीका लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। कोई भी टॉपिक हो वो इतना सजग तरीके से समझाते हैं आपको, वो बिहारी टोन जो यूज करते हैं वो बिहारियों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और पूरे देश भर में 8वां कॉन्टेंट क्रिएटर बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार से होना और बिहारी टोन होना, हम हमेशा इस चीज के लिए हम दूसरों से ताना सुनते हैं कि तुम्हारा बिहारी टोन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब ने खान सर को रिकॉग्नाइज किया है, खान सर को 8वां स्थान यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर में दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।